Keep learning, keep growing, keep watching. हेलो एवरीवन, वेलकम। जैसे कि हम पढ़ रहे थे पहले रेडिएशन फिजिक्स का एक्सेल प्रोडक्शन का टॉपिक, एक्सेल प्रोडक्शन टॉपिक के अंदर हमने सब टॉपिक पढ़ा था। लास्ट टॉपिक हिस्टोरिकल गैस ट्यूब्स। गैस ट्यूब्स यानी कि एक्सेल ट्यूब्स, वो ट्यूब्स या वो एपरेटस जिसके थ्रू या जिसके जरिए एक्सेल का प्रोडक्शन किया जाता है। गैस ट्यूब के अंदर आपका कैथोड होता है, एनोड होता है, ठीक है। कैथोड आपका बना हुआ था एल्यूमिनियम का, जिसमें एल्यूमिनियम की स्टेम होती है और उसके आगे एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती है। और एनोड आपका बना हुआ था टंगस्टन का, जो कि पैक्ड होता है कॉपर के ऊपर, यानी कि कॉपर के ऊपर पैक्ड होता है। और कॉपर का यूज़ यहाँ पे क्यों किया जाता है, क्योंकि कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, जो कि हीट को रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर कैथोड की जो डिस्क होती है एल्यूमिनियम की, उसको थोड़ा एंगल भी दिया जाता है, जिससे क्या हो कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे कैथोड से, वो डायरेक्ट टारगेट या एनोड पर जाकर टकराएं, इसलिए उसको थोड़ा एंगल दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ट्यूब की वैक्यूम की, कि इसके अंदर थोड़ी गैस रखी जाती है जो कि 0.001 mm ऑफ HG से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गैस ट्यूब के अंदर हम हमेशा गैस रखते हैं, क्योंकि ये आयनाइजेशन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, यानी कि गैस ट्यूब के अंदर जो एक्सेल का प्रोडक्शन होता है वो आयनाइजेशन के प्रिंसिपल पे होता है। अब एक्सेल का प्रोडक्शन कैसे होता है, बिल्कुल इजी प्रोसेस था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार शॉर्ट रिविजन कर रहे हैं ताकि हम आगे के लेक्चर्स को अच्छे से समझ सकें। होता क्या है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन के प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर आयनाइजेशन होता है। कब होगा, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट फ्लो होगा और आयनाइजेशन की प्रोसेस होगी। आयनाइजेशन की प्रोसेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी से, ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये क्या होगी, हीट और एक्स रेज में कन्वर्ट होगी। लेकिन कब, जब ये इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पर टकराएंगे और वहाँ पर टारगेट मटेरियल पर चार प्रकार के इंटरेक्शन करेंगे, जो कि हमने पढ़ा था, आयनाइजेशन इन आउटर शेल, आयनाइजेशन इन इनर शेल, आयनाइजेशन इन इनर शेल और इंटरेक्शन विथ न्यूक्लियर फ्यूल। ये चार प्रकार के इंटरेक्शन होंगे और टारगेट मटेरियल पर हीट और एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर 99% हीट का प्रोडक्शन होता है और 1% एक्सरेज निकलती है। तो ये तो था हमारा एक्सरे प्रोडक्शन का प्रिंसिपल, जिसके थ्रू एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो गैस ट्यूब के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जिसके कारण नई एक्सरे ट्यूब्स का इन्वेंशन करना पड़ा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं गैस ट्यूब के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो गैस ट्यूब के डिसएडवांटेजेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लेकिन हम इसका अभी शॉर्ट रिविजन कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि गैस ट्यूब आयनाइजेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। अगर हम गैस ट्यूब के अंदर अगर गैस हम कम रखते हैं तो आयनाइजेशन कम होगा, और अगर हम गैस ज़्यादा रखेंगे तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा। बट हम सपोज करते हैं कि अगर हम गैस ट्यूब के अंदर ज़्यादा गैस रखते हैं तो क्या होगा, हमारे लो वोल्टेज के ऊपर भी एक्सरेज का प्रोडक्शन ईजिली हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर हमें हाई वोल्टेज के एक्सरेज की नीड होगी, तो हम हमारा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, और वोल्टेज इंक्रीज करने पे क्या होगा, जो आयनाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो ज़्यादा होगा। जब आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा, तो वो टारगेट मटेरियल पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे। और टारगेट मटेरियल पर जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो टारगेट मटेरियल क्या होगा, टारगेट मटेरियल पर हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण टारगेट मटेरियल मेल्ट हो जाएगा। और टारगेट मटेरियल के मेल्ट होने के कारण पूरी ट्यूब के अंदर वेपर भर जाएगा, यानी कि ट्यूब पूरी पूरी गैसी हो जाएगी। डेट मीन्स आपकी ट्यूब अब क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। डेट मीन्स अगर हम ज़्यादा गैस ट्यूब के अंदर हम ज़्यादा रेजिडुअल गैस रखते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, ठीक है। ज़्यादा आयनाइजेशन कब होगा, जब हमें हाई वोल्टेज की एक्सरेज की नीड होगी, तो हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पर टकराएंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पर एक साथ टकराएंगे तो टारगेट पर क्या होगी, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा हीट प्रोडक्शन के कारण जो टारगेट मटेरियल है वो हमारा मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के कारण वो पूरे ट्यूब के अंदर गैस फैला, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ट्यूब को गैसी कर देगा।
तो ये तो था हमारा गैस ट्यूब का पहला डिसएडवांटेजेस जो आपको सॉरी पहला डिसएडवांटेज जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरे डिसएडवांटेज की बात करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट डिसएडवांटेज पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हम ट्यूब के अंदर ज़्यादा गैस नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गैस रखेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और जो हमारा टारगेट है वो मेल्ट हो जाएगा। अब आपने वहाँ गैस कम रखी, लेकिन आपको अगर हायर एनर्जी की एक्सरेज चाहिए तो आयनाइजेशन होगा और आपको लो वोल्टेज की एक्सरेज मिल जाएंगी। बट अगर आपको हायर एनर्जी की एक्सरेज चाहिए तो आपको इवैक्यूएशन यानी कि वैक्यूम को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वैक्यूम इंक्रीज होगा तभी क्या होगा, आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब आपको यहाँ गैस इंक्रीज करने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत होगी जिसका नाम है वैक्यूम पंप, जो क्या करेगा, गैस ट्यूब के अंदर गैस को इंक्रीज करेगा। जब हम गैस ट्यूब को ऑपरेट करेंगे तो ये उसके अंदर गैस की मात्रा को बढ़ाएगा। तो अब क्या हुआ, आपका जो एपरेटस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कैसे कि आपको एक्सपोजर भी कर रहे हो, साथ के साथ आपको वैक्यूम भी बढ़ाना है। तो इसके लिए, इस गैस ट्यूब को ऑपरेट करने के लिए आपको ऐसे ट्रेनर की जरूरत होगी जिसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हो, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो वर्क का, ट्रेनिंग का। आप न्यू फ्रेशर के साथ ऐसे गैस ट्यूब को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वही इस प्रकार के एक्स ट्यूब को ऑपरेट कर सकता है। तो ये आपके गैस ट्यूब के दो डिसएडवांटेजेस हो गए हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट डिसएडवांटेज की। अब हम इसके थर्ड डिसएडवांटेज की बात करेंगे, जो कि इसका मेन डिसएडवांटेज है। अब जैसे कि आपने गैस ट्यूब के अंदर थोड़ी बहुत गैस रख रखी है, ठीक है, गैस होगी तो क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा तो उससे एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। अगर हम यहाँ गैस नहीं रखते हैं तो एक्सरेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये आयनाइजेशन इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, तो इसको रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपने वोल्टेज लगाया, वोल्टेज लगाने से होता क्या है, आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, ठीक है, चार प्रकार के इंटरेक्शन होगा, एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। बट आयनाइजेशन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आयनाइज होंगे और यहाँ पर फर्दर आयनाइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मॉलिक्यूल्स, दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे और उनको भी आयनाइज करेंगे। इस प्रकार यहाँ फर्दर आयनाइजेशन होता है और इस प्रकार एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। बट जब हम गैस ट्यूब को ऑफ कर देते हैं तो भी क्या होगा, गैस ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये जो गैस है ये किस प्रकार की गैस है, आयोनाइज्ड गैस है, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स है गैस के। तो जब ये आयोनाइज्ड गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या होंगे, आपके टारगेट को टकराएंगे। लेकिन इस बार क्या होगा, इनके पास वेलोसिटी नहीं होगी, यानी कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स टारगेट पर टकराएंगे और क्या होगा, लो एक्सरेज, लो एनर्जी की एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं होता क्या है। जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, गैस ट्यूब के अंदर गैस होगी, उसमें आयनाइजेशन होगा और क्या होगा, आयनाइजेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज होंगे और वो टारगेट पर टकरा के एक्सरेज का प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन आयनाइजेशन जैसे ही होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फर्दर आयनाइजेशन करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे और उसको भी आयनाइज करेंगे। इस प्रोसेस को फर्दर आयनाइजेशन कहते हैं। बट अब हमने ट्यूब को ऑफ कर दिया है, यानी हमने वोल्टेज सप्लाई ऑफ कर दी है। बट अब होगा क्या, गैस ट्यूब के अंदर अभी भी कोई ना कोई गैस प्रेजेंट होगी, कुछ ना कुछ, ठीक है। ये गैस किस प्रकार की होगी, आयनाइज्ड गैस होगी। तो जब ये आयनाइज्ड गैस है इनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा, ये टकराएंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। बट इस बार होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टारगेट की ओर जाएंगे, लेकिन इनके पास वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्यूब की जो सप्लाई है या फिर जो गैस ट्यूब है उसका ऑपरेशन ऑफ है, ठीक है। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो ये टारगेट के साथ टकराएंगे तो सही, बट एक्सरेज का प्रोडक्शन भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा वो लो एनर्जी के एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। और ये लो एनर्जी की एक्सरेज हार्मफुल होती है पेशेंट के लिए भी और वर्कर के लिए भी। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेजेस था कि यहाँ पर फर्दर आयनाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसके कारण
यहाँ पर लो एनर्जी की एक्सरेज निकलती है जिसका यूज नहीं होता है, जिसका यूज बेनिफिशियल नहीं है, और ये लो एनर्जी की एक्सरेज हार्मफुल इफेक्ट शो करती है। तो ये था इसका एक मेन डिसएडवांटेज, यानी कि गैस ट्यूब का मेन डिसएडवांटेज। तो लास्ट लेक्चर में हमने गैस ट्यूब का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, गैस ट्यूब की वर्किंग पढ़ी थी, अब हम एक नई एक्स-रे ट्यूब का स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि गैस ट्यूब के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस थे, इन डिसएडवांटेजेस को हम एक नई एक्स-रे ट्यूब के अंदर दूर किया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कूलिश ट्यूब। कूलिश ट्यूब कोई ट्यूब नहीं है, ये कूलिश जो एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पर कूलिश ट्यूब का नाम रखा गया है। कूलिश ट्यूब के अंदर हमने जो गैस ट्यूब का जो डिसएडवांटेज था, यानी कि आयनाइजेशन का जो प्रिंसिपल था, इसको हमने दूर किया है। कूलिश ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोडक्शन है वो थर्मेनिक इमिशन के प्रिंसिपल पर होता है, यानी कि थर्मेनिक इमिशन कूलिश ट्यूब का एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके आधार पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है। और बट गैस ट्यूब के अंदर होता क्या था, वहां पर आयनाइजेशन के प्रिंसिपल पर एक्स इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता था। कूलिश ट्यूब के प्रिंसिपल के आधार पर और भी एक्सरेस का और भी एक्सरे ट्यूब्स डिजाइन हुई बाद में, जैसे रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब और स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। ये एक्सरे ट्यूब्स भी कूलिश ट्यूब के प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है। अब हम बात कर लेते हैं कूलिश ट्यूब के बारे में। कूलिश ट्यूब के बारे में बात करने से पहले हम एक छोटा सा शॉर्ट देख लेते हैं, शॉर्ट नोट। फ्लेमिंग एंड रिचर्डसन शोड दैट व्हेन मेटल इज हीटेड इन वैक्यूम इट एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। यानी कि रिचर्डसन और फ्लेमिंग नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जब किसी मेटल को गर्म किया जाता है वैक्यूम के अंदर, तो उस मेटल से लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, और इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन होता है जब किसी मेटल को हीट दी जाती है वैक्यूम के अंदर, तो उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है, और इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। और जो हमारी कूलिश ट्यूब है वो हमारे थर्मियोनिक इमिशन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है। थर्मियोनिक इमिशन कूलिश ट्यूब का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम कूलिश ट्यूब की जो स्ट्रक्चर है ये हम देखते हैं, इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि जो गैस ट्यूब थी और कूलिश ट्यूब है इनके अंदर कुछ डिफरेंस है, जैसे कि इनका कैथोड और जो एनोड है वो थोड़े से अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं एज कम्पेयर टू गैस ट्यूब, और बाकी का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है, बाकी की जो भी सप्लाईज होती है वो सेम होती है। होता क्या है, गैस ट्यूब के अंदर जो कैथोड होता था वो एक स्टेम के रूप में होता था और उसके आगे एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती थी। बट कूलिश ट्यूब के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक फिलामेंट का बना होता है कैथोड, और इसके चारों तरफ फॉक्सिंग कफ होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फॉरवर्ड करता है, टारगेट मटेरियल की ओर फोकस करता है, ले जाता है या भेजता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एनोड होगा यानी कि जो टारगेट होगा वो भी थोड़ा अलग तरह का होगा, जो टारगेट होगा यहाँ पर वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स का जो टकराने का जो प्रोसेस है, जो इंटरेक्शन का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, और जो एक्सरेस का प्रोडक्शन होता है वो भी सेम रहेगा। यानी कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे थर्मियोनिक प्रिंसिपल के आधार पर, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स टारगेट मटेरियल पर टकराएंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट और एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाएगी, और टारगेट मटेरियल पे चार प्रकार के इंटरेक्शन होंगे जिससे हीट और एक्सरेज निकलेंगी। यहाँ पे 99% हीट का प्रोडक्शन होता है और 1% एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो नई चीजें देखने के लिए मिल रही होंगी, फिलामेंट सप्लाई और वोल्टेज सप्लाई। फिलामेंट सप्लाई क्या काम आती है, फिलामेंट सप्लाई फिलामेंट को गर्म करने के काम आती है, हीट करने के काम आती है। फिलामेंट सप्लाई फिलामेंट को हीट करती है थर्मियोनिक प्रिंसिपल के आधार पर, जिससे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। उसके बाद जो हाई वोल्टेज है जो कि कैथोड और एनोड के बीच में अप्लाई की गई है, हाई वोल्टेज क्या करता है, फिलामेंट से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकले उनको एक्सेलरेट करता है और एक्सेलरेट करके टारगेट की ओर भेजता है जिससे एक्स रेज का प्रोडक्शन हो सके,
हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देता है, वेलोसिटी देता है। जिस वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से टारगेट की ओर फोकस हो पाते हैं, फॉरवर्ड हो पाते हैं। यहाँ पर एक और चीज की बात कर लेते हैं, कूलिश ट्यूब का जो वैक्यूम होता है वो होता है 10^-5 mm ऑफ Hg। यानी कि यहाँ पर जो वैक्यूम होता है वो न के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, जबकि गैस ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम था वो 10^-3 mm ऑफ Hg था। क्यों? क्योंकि वहां पर आयनाइजेशन की प्रोसेस के कारण, सॉरी आयनाइजेशन के प्रिंसिपल के कारण ही क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता था। बट कूलिश ट्यूब के अंदर आयनाइजेशन का प्रिंसिपल वर्क नहीं करता है, यहाँ पर थर्मोनिक इमिशन के प्रिंसिपल पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर गैस को बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है। अब बात करते हैं हम कूलिश ट्यूब के बारे में। ए न्यू एक्सरे ट्यूब वॉज डिजाइन बाय कूलिश 1913 बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोनिक इमिशन। यानी कि एक नई एक्सरे ट्यूब का इन्वेंशन किया गया कूलिश साइंटिस्ट के थ्रू 1913 के अंदर, यहाँ पर थर्मोनिक इमिशन के प्रिंसिपल के आधार पर। यानी कि कूलिश ने 1913 के अंदर थर्मोनिक इमिशन के प्रिंसिपल के आधार पर एक नई एक्सरे ट्यूब का इन्वेंशन किया। दिस ट्यूब इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड सो दैट देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय आयनाइजेशन। यहाँ पर जो ट्यूब होती है वो बिल्कुल ही इवैक्यूएटेड होती है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी गैस प्रेजेंट नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन नहीं होता है आयनाइजेशन के कारण। ए स्पाइरल ऑफ वायर विच एक्ट एज ए हॉट कैथोड इज हीटेड बाय मींस ऑफ करंट। द फिलामेंट कॉमनली यूज इज ऑफ द टंगस्टन। अब यहाँ पर होता क्या है, एक वायर का स्पाइरल यूज किया जाता है जो कि हॉट कैथोड की तरह एक्ट करता है। इज हीटेड बाय मींस ऑफ द करंट, और जो हीट यानी कि जो गर्म होता है करंट के थ्रू। द फिलामेंट इज कॉमनली यूज इज ऑफ द टंगस्टन, और जो फिलामेंट हम यूज करते हैं, जो वायरल स्पाइरल का जो यूज करते हैं वो होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का ही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि टंगस्टन की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होगा, अगर करंट सप्लाई ज्यादा भी होगी तो क्या होगा, ये जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, हीट होगा। जैसे अगर करंट सप्लाई ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, हीट होगा, और हीट होने से क्या होगा, फिलामेंट गर्म हो जाएगा। जब फिलामेंट गर्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, थर्मोनिक इमिशन का प्रिंसिपल वर्क करेगा, जिसके कारण फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, एमिशन इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर। द टारगेट और एनोड इज प्लेस्ड अपोजिट टू द कैथोड विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टंगस्टन। अब यहाँ पे होता क्या है, जो टारगेट और जो कैथोड है वो क्या होंगे, गैस ट्यूब की जैसे ही सेम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, और इनमें कॉमन चीज क्या होगी, ये इस बार दोनों ही क्या है, टंगस्टन के ही बने हुए। गैस ट्यूब के अंदर भी जो हमने टारगेट देखा था वो टंगस्टन का बना हुआ था, वैसे ही सेम यहाँ पर कूलिश ट्यूब के अंदर भी जो टारगेट है वो टंगस्टन का ही मिलता है, बना होता है। When the high voltage is applied between the cathode and anode, electrons flow from cathode to anode. जब हम high voltage apply करते हैं cathode और anode के बीच में, तो होता क्या है कि जो cathode का जो filament है उससे electrons का flow होगा thermionic emission के principle के आधार पर, और वो electrons क्या होंगे, target तक पहुंचेंगे, और उनकी जो kinetic energy होगी electrons की वो heat और X-rays में convert हो जाएगी। The wavelength of X-rays can be controlled by the voltage applied to the tube. अब जो wavelength होगी X-rays की वो किस पे depend करती है, वो depend करती है voltage के ऊपर, यानी कि हमने कितना voltage apply किया है tube के अंदर। अगर हम ज्यादा voltage apply करते हैं tube के अंदर तो हमें ज्यादा energy की X-rays मिलेंगी, ज्यादा wavelength की X-rays मिलेंगी, और अगर हम कम voltage apply करते हैं तो हमें कम wavelength की X-rays मिलेंगी। बट अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ज्यादा वेलोसिटी के साथ क्या होंगे, टारगेट मटेरियल के साथ टकराएंगे, और ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर की एक्सरेज मिलेंगी, ज्यादा एनर्जी की एक्सरेज मिलेंगी, ज्यादा वेवलेंथ की एक्सरेज मिलेंगी। लेकिन अगर वोल्टेज कम लेते हैं तो क्या होगा, जो उनकी जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण क्या होगा, हीट और एक्सरेज की जो एनर्जी होगी वो भी कम होगी, यानी कि उनकी जो पेनेट्रेटिंग पावर होगी एक्सरेज की वो कम होगी,
और पेनेट्रेटिंग पावर कम होगी तो जो एक्सरेस की वेवलेंथ है वो भी कम ही होगी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर कूलिश ट्यूब के ऊपर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई एक्सरे ट्यूब्स का स्टडी करेंगे, जिनको हम मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स बोलते हैं, जिनके अंदर स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब्स आती है और रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब्स आती है, जिनको एट प्रेजेंट काम में लिया जाता है। थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।